नमस्कार। शामियाने पे उपस्थित माँ सरस्वती के सभी पुत्रों को मेरा नमन। क्योंकि ये उम्र ऐसी है जब हम सब श्रृंगार के ऊपर लिखते हैं, तो शुरुआत में श्रृंगार से ही करना चाहूँगा। एक बातचीत चल रही है प्रियतम और प्रियतमा के बीच में, आनंद लीजिएगा। प्रियतमा कह रही हैं, है मिल तो गए दिल मगर फिर भी मुश्किल। ये मेरी खुद की लिखी हुई रचना है जब मैं इस कॉलेज में आया था फर्स्ट ईयर में। है मिल तो गए दिल मगर फिर भी मुश्किल, जमाने के आगे क्या टिक पाएगा प्यार अपना किसी दिन। खाई थी कसमें निभाई थी रस्में, क्या कर पाएंगे चाह जिसको वो हासिल। तो प्रियतम कहते हैं, जो मिल ही गए दिल तो फिर कैसे मुश्किल, जो मिल ही गए दिल तो फिर कैसे मुश्किल। जमाना भी सर को झुका लेगा एक दिन, न कोई हो शंका न कोई परंतु, जिसे चाहेंगे अब वो कर लेंगे हासिल। न कर तू फिकर अब थोड़ा कर सबर, अब है तू जो मेरे संग तो फिर कैसे मुश्किल। और अगर जुड़ जाए इन पंक्तियों में तो मैं तालियों के साथ आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा कि न कर तू फिकर अब थोड़ा कर सबर, अब है तू जो मेरे संग तो फिर कैसे मुश्किल। और न तू तू रही अब न मैं रहा अब, न तू तू रही अब न मैं रहा अब, तेरा दिल मेरा दिल, मेरा दिल तेरा दिल, मेरा दिल तेरा दिल, तेरा दिल। शिकवा एक अर्ज कर रहा हूं, टूटे हुए दिल की दास्तान है कि अंधेरों में एक चिराग का सफर था। मेरी स्वर अच्छी थे, क्षमा चाहूंगा। अंधेरों में एक चिराग का सफर था, सूने बियाबा में जैसे कोई शजर था, अच्छे भले दिल को पल भर में तोड़ दिया। वल्लाह तुम्हारा भी क्या हुनर था, अच्छे भले दिल को पल भर में तोड़ दिया। वल्लाह तुम्हारा भी क्या हुनर था। और तुम तो फिराक में थे मेरी जीस्त नोचने के, जीस्त जिंदगी, तुम तो फिराक में थे मेरी जीस्त नोचने के। जिंदा हूं अब तलक जाने किसकी दुआओं का असर था। और मुझे इल्जाम देने वाले, मुझे इल्जाम देने वाले तो खुद इस बात से वाकिफ है, मैं जैसा भी था तुमसे तो बेहतर था, मैं जैसा भी था तुमसे तो बेहतर था। और ऐसा ही कुछ है कि छीन कर होठों से मुस्कान ले गया, कमजर्फ मुझसे ही मेरी पहचान ले गया। छीन कर होठों से मुस्कान ले गया, कमजर्फ मुझसे ही मेरी पहचान ले गया। मेरे दर से मेरी हसरत की दुल्हन इस तरह रुखसत हुई जिस तरह मेरे जिस्म से कोई जान ले गया। मेरे दर से मेरी हसरत की दुल्हन इस तरह रुखसत हुई कि जिस तरह मेरे जिस्म से कोई जान ले गया। और खंडर बनाकर रख दिया दिल की इमारत को, खंडर बनाकर रख दिया दिल की इमारत को, नीलामी में हर साज हर सामान ले गया। मेरे लखते जिगर कलमे मेरी मेरे शेर बेघर हो गए, मेरे लखते जिगर कलमे मेरी मेरे शेर बेघर हो गए। वो लूट कर तहरीर का मकान ले गया, मकान ले गया। दिल को संभालूं पर संभालूं किस तरह ये तो बता, दिल को संभालूं पर संभालू किस तरह ये तो बता। वो जलजला जीने के सब अरमान ले गया। और मसला ये है कि मेरा है तू पर कैसे कहूं, क्षमा चाहूंगा। मसला ये है कि मेरा है तू पर कैसे कहूं। शायद हलक से खींच कर जुबान ले गया, शायद हलक से खींच कर जुबान ले गया। राहत इंदौरी साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है कि मोड़ जवानी का होता है संभलने की खातिर, लोग यहीं पर आकर फिसलते क्यों हैं। हम सब श्रृंगार से जुड़े हुए हैं, ये हमारे उम्र का तकाजा है। लेकिन मैं एक कविवर श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है, उनकी काव्य रचना है रश्मि रथी, जिसमें महाभारत के प्रसंगों को उन्होंने काव्य में पिरोया है। उसमें एक प्रसंग आता है जिसे हम कृष्ण की चेतावनी के रूप में कई बार पढ़ चुके हैं। वो प्रसंग होता है जब युद्ध टल भी सकता था, युद्ध हो भी सकता था, तो आखिरी बार मैत्री का प्रस्ताव लेकर श्री कृष्ण जाते हैं हस्तिनापुर और दुर्योधन के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि दुर्योधन युद्ध में किसी की भलाई नहीं है, हम चाहे तो मैत्री कर सकते हैं, आधा राज्य आप रख लो आधा राज्य हम रख लेते हैं। लेकिन मूढ़ दुर्योधन श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास करते हैं, खुद परमेश्वर को बांधने का प्रयास करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अपने विराट रूप में आते हैं, वास्तविक रूप में आते हैं, और तब चेतावनी देते हैं, ललकार देते हैं कि अधर्मी नीच तेरी इस हरकत की वजह से संपूर्ण कुरुवंश का नाश हो जाएगा। वो कृष्ण की चेतावनी मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहूंगा। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है।
मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, तो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीन उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान को विद होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझमें लय है, ये देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें विलीन संसार सकल, अमृत भूलता है मुझमें, संसार झूलता है मुझे, उदयांचल दीप्त भाल मेरा, उदयांचल दीप्त भाल मेरा, भूमंडल वक्ष विशाल मेरा, परिधि बंद को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के भीतर, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकल, सब है मेरे मुख के भीतर। दृघ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, दृघ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जर क्षर अक्षर, चर अचर जीव जर क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु बंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महे, शतकोटि विष्णु सुरपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बड़ा कर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अटल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, भूलोक अटल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत कारण मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर का कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिब्बा से कटती ज्वाल सगन, सांसों से पाता जन्म पवन, जिब्बा से कटती ज्वाल सगन, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जल, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूं लोचन छा जाता चारों ओर, मरण छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि बुधे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, क्या मुझे बांध वो सकता है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहन प्रकर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, दुर्योधन वर ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। कि सभा सन्न सब लोग डरे, कि सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। जय हिंद, नमस्कार।